तो आएगी टी कैन नॉट बी फोर्थ विदाउट ग्रोथ यू एप्सोलूटली 100 परसेंट नीड ग्रोथ टू फाइट पॉवर्टी देर नो देर इज एप्सोलूटली नो कंफ्यूजन इन माई माइंड अबाउट दिस दुनिया में अविश्वास पैदा हुआ है हमारी ये कंसिस्टेंसी के अभाव के कारण और विश्व व्यापार के अंदर किसी भी देश के लिए उसकी एक्स, एक्सपोर्ट की पॉलिसी में Consistency is very important. We have a system that's completely gummed up. Hundreds of projects are stalled. This is not a question of policy or reforms. This is a question of just getting it done. Our confidence levels are very low right now. All investment depends upon expected profits, not current profits, not past profits. गेम ऑफ एक्सपेक्टेशन अगर मैन्युफेक्चरिंग प्रोसेस को एफिशिएंटली करना सस्ते में होना यह अगर हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं तो दुनिया में मंदी के दौर होने के बाद भी लोग हमारी तरफ आए वी बिलीव इन इंक्लूसिव गवर्नमेंट वी बिलीव इन लिबरलाइजेशन वी बिलीव इन opening up business but we also believe that every single indian has to be part of the progress in this country it is the job of the policymakers and prime minister is the chief policymaker who has to give signals not only to domestic investors but also to foreign investors, that look in India, we are on the path of economic reforms. India would become a lot more investment friendly just through sheer monitoring of projects and of implementation. और स्वागत है आपका चेंज इंडिया में यहां हम अपने नए प्रधानमंत्री के लिए एक एजेंडा तैयार करेंगे हमें ऐसा विश्वास है कि इस एजेंडा के साथ हिंदुस्तान की तकदीर को बदला जा सकता है आज का एजेंडा है निवेश ये देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है विशेषज्ञों के एक ग्रुप ने यह एजेंडा तैयार किया जिसमें से आज हमारे साथ है विवेक डिब्रॉय जाने माने अर्थशास्त्री जो कि सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च में प्रोफेसर हैं शंकर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार और लेखक शौगोतम भट्टाचार्य एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और सैटेलाइट लिंक के द्वारा मुंबई से हमारे साथ हैं मनीष चौखानी अर्थशास्त्री और भारत के एक प्रमुख निवेशक धीरज नैयर भी इस पैनल में हैं जो कि सारी व्यवस्था के सूत्रधार हैं अनेक लोगों ने हमको ट्विटर और हमारी वेबसाइट पर अपने सुझाव भेजे हैं और उनमें से कुछ आज हमारी ऑडियंस में भी हैं यहां पर मैं ये कहूंगा कि अगर आप भी इस अभियान के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर और हमारी वेबसाइट पर अपने आइडियाज भेजें और हम आपको भी अगले शोज में इन्वाइट करेंगे तो पहला जो हमारा पॉइंट है प्रधानमंत्री के लिए वो है कि जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट जो कहता था कि आ, सरकार का डेफिसिट इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा वो 2003 थाउजेंड में शायद आ, सरकार ने छोड़ दिया अबैंडन कर दिया तो हमारा पहला पॉइंट है उसको वापस लाइए और अपने फिजिकल डेफिसिट को पॉइंट से हर साल कम कीजिए और ये जो कैलिबरेटेड मूव आपने डीजल में करा है जिससे डीजल की प्राइस डीजल की सब्सिडी आप हर महीने कम कर रहे हैं वो प्लान कई और सब्सिडीज में करिए और 36 महीने में एक परसेंट कम करते 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 सब्सिडीज को ऑप्टिमल लेवल पे ले आइए या इलिमिनेट कर दीजिए जहां पे सब्सिडीज की जरूरत नहीं है ये हमारा पहला पॉइंट है शंकर कबीर का दोहा है कि चादर में पैर उतना फैलाइए जितना चादर समाए सरकार के लिए ये बहुत बड़ी निर्देश है कि आप जिस तरह से खर्चा कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आपके खर्चे से उपलब्धियां प्राप्त हो रही है उसको आप रिजेक्ट करना पड़ेगा ये माइंड सेट को और खर्चे की रिजल्ट देखकर खर्चा करना पड़ेगा इस सरकार में जब यह सरकार 2004 में आई तो प्रतिदिन 200 करोड़ उधार लेती थी अब 1600 सो करोड़ उधार लेती है इसका कोई आकलन हुआ है कोई एनालिसिस हुआ है कि इस खर्चे का क्या निष्कर्ष आठ गुना अगर सरकार की डेट बढ़ी है तो उसका क्या क्या हुआ? Outcome क्या हुआ? और आप देखें जितने भी मानव इंडिकेटर, जो जो कहते हैं हम उसमें हमारी कोई खास प्रगति हुई नहीं है। है के human index में हम नीचे आते जा जी. रहे हैं। एक एक प्रथासी बन गई है हिंदुस्तान में कि जब प्रधानमंत्री अपना या फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट देता है तो एक दोहा या कोई कविता लगाता है हाँ, तो बार उनको कबीर का बोलना चाहिए मनीष आप हमारे साथ मुंबई में हैं हमने ये जो सजेशन दिया है कि एक एक परसेंट आप काटिए और 36 महीने में हर तरह की नॉन मेरिट सब्सिडी हटा दीजिए और जहां पे मेरिट सब्सिडी है उसको जिस लेवल पे लाना चाहते हैं ले आइए हो सकता है जरूर हो सकता है और स्वामी जी ने एकदम सही कहा कि यू नो पैर उतना ही फैलाइए जितना यू नो चादर में समाई हो जी एक नारा और देना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम का टारगेट इसी में अगर जोड़ दें कि हर नागरिक को इतने लेवल पे हम पर कैपिटा पे ढाई हजार डॉलर पर कैपिटा पे ले आएंगे जी और साथ साथ में कि सरकार इससे ज्यादा खर्चा नहीं करेगी जी आई थिंक तो हम सही दिशा में बढ़ रहे होंगे जी आज पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान की के करीब पंद्रह सौ डॉलर के करीब हो गई है 50, अबाउट एक, एक, एक आश्चर्यजनक है कि जब Uh, UPA 2004 से एक चौथाई हो गई है so, चाइना हमसे चार गुना पर कैपिटल इनकम में हो गया मैं ऑडियंस में रिएक्शन uh, लाना चाहूंगा uh, पैनल से मेरा सवाल है कि अभी जब ग्रोथ इतनी कम हो रही है और जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है और अभी गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है इसकी वजह से हमारा ग्रोथ कम होगा कि नहीं हाँ, ये, मेरा एक चीज ये एक पॉइंट जरूरी आपने बोला कि जीडीपी पे जो इम्पैक्ट होगा वो कैसे मेकअप हाँ होगा? एक हाँ, चीज हाँ. मैं बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर देना चाहिए और साथ ही में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बाद में स्टिमुलेट हो तो विवेक ये आप अर्थशास्त्री उसके बाद शौका था पता लगाऊंगा की जब सरकार अपना एक्सपेंडिचर काटती है तो जीडीपी ग्रोथ भी तो कम होता है उससे पहले आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खास तौर में सेंट्रल कुछ कर नहीं सकते इंटरेस्ट पेमेंट्स चौदह पंद्रह में मैं कुछ कर नहीं सकता हूं अगले पांच साल की बात अगर हो वो अलग है और रह गया सब्सिडी तो कहना का मतलब यह है कि फिनेंस मिनिस्टर के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करना इतना आसान नहीं है धीरज समाप्त हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री उन्होंने बोला कि पैसा पेड़ पे नहीं होता है ये सही बात है पैसा किसी भी इकोनॉमी में सीमित है सरकार उसको यूज़ करे या प्राइवेट सेक्टर उसको यूज़ करे अब हमने भारत में देखा है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करता है पैसे को सरकार ज़्यादा इनफिशियंटली यूज़ करती है इसलिए फिजिकल डेफिसिट का घटना बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए ज़्यादा पैसा ज़्यादा रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर यूज़ करे इसलिए सरकार तो आपने ठीक कहा कि ग्रोथ पे शॉर्ट टर्म पे इफेक्ट पड़ सकता है लेकिन सरकार का जो डेट बेस पे उधार के बेसिस पे ग्रोथ पड़ेगा और सेक्टर के के लिए जो खर्चा है वो बढ़ना पड़ेगा हाँ तो ये तो करना ही पड़ेगा अगर अगर इन्वेस्टमेंट को आपको रिस्टार्ट करना है निवेश को रिस्टार्ट करना है तो आपको फिजिकल डेफिसिट को कम करना ही पड़ेगा इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है नहीं प्रधानमंत्री के लिए पॉइंट नंबर दो जो हमारा है वो एक एक ऐसा मुद्दा है जो सालों साल से आपने भी सुना होगा पढ़ा होगा चर्चा भी हुई होगी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हिंदुस्तान में आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा है एक बड़ा जो उसमें कारण है वो है कि जो स्टेट्स हैं वो कहती हैं कि हमारा रेवेन्यू हमें हम अनश्योर हो गए अनसर्टन हो गए कि अगर सारी टैक्सेशन पावर सेंटर पर चली जाती है तो हमारा रेवेन्यू क्या प्रोटेक्टेड रहेगा तो हमारा एक बड़ा सिंपल सा सुझाव है कि आप गारंटी कर दीजिए स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आज का जो आपका रेवेन्यू है वो प्रोटेक्टेड रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ले आईए अगले दो तीन साल में उसको हम चेंजेस करते रहेंगे सो कि आज शुरू करके फाइनली हम एक मॉडल में पहुंचेंगे जो कि जो कि एकदम ठीक होगा आ, ये शोगत आप बताएं ये ड्यूएबल है प्रैक्टिकल है ड्यूएबल uh, है uh, क्योंकि uh, 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 विवेक जी, जी कह रहे थे कि बहुत हम लोग पूछते रहते हैं कि शॉर्ट टर्म में ग्रोथ uh, ग्रोथ को बढ़ाने में क्या क्या कर सकते हैं बहुत सारे चीज़ है कि बहुत सारे डिफिकल्टी है पोलिटिकली डिफिकल्ट है एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट है लेकिन ये ऐसा एक चीज है जो इमीडिएटली बहुत जल्दी इसका ट्रैक्शन दिख सकता है यहाँ पे धीरज भी कह रहे थे कि एक डेढ़ दो परसेंट जी में बढ़ जा सकती है इसमें तो इसके लिए जितने भी पैसे उसकी जरूरत हो सकती है वो उसको इमीडिएटली उसको आ, स्टेट्स को ट्रांसफर करके कुछ तरीके के गारंटी उनके कंफर्ट के लिए दे दिया करके शुरू कर दिया जाए भागीदारी होनी चाहिए घाटे में और नफा में दोनों में भागीदारी अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को गारंटी कर देती है कि आपका जो घाटा होगा हम भूख ले लेंगे और हम जो मुनाफा कमाएंगे उसमें आपको भागीदार बना देगी तो एक तरह से पार्टनरशिप हो जाएगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में और आसान हो जाएगा पॉलिटिकली इसको बेचने में पॉइंट नंबर तीन जो है ये सिंपल पॉइंट है लेकिन पेचीदा हो सकता है क्योंकि सरकार की आदत थोड़ी इनमें बिगड़ गई है ये है कि आप अगर एक लॉ बनाते हैं टैक्सेशन प्रिंसिपल बनाते हैं तो उसको चेंज मत है देखिए क्या हुआ जब वोडाफोन का इतना सेलिब्रेटेड केस है जिससे हिंदुस्तान को इतना धक्का भी लगा बाहर बाहर के देशों में बाहर के इन्वेस्टर्स को कि सरकार एक टैक्स केस सुप्रीम कोर्ट तक जाती है सुप्रीम कोर्ट में भी हारती है लेकिन फिर सरकार क्या करती है लॉ बदल देती है और लॉ बदलने की वजह से टैक्स जीत जाती है तो इसको एक्सट्रैक्टिव टैक्सेशन कहते हैं इसको रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कहते हैं और ये जो है जो बाहर के इन्वेस्टर हैं उनको बहुत ही बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उससे यह नहीं लग, उनको लगता है कि फेयर प्ले नहीं है इस कंट्री में और जहां पे अनसर्टेटी आ जाती है वहां पे फिर वो पैसा नहीं लगाते मनीष को मैं लाना चाहूंगा इसमें वोडाफोन से कितना धक्का लगा और आ, आगे अब किस तरह से प्राइम मिनिस्टर को प्लेज करना पड़ेगा कि मैं ये आगे से नहीं होने दूंगा इस देश में राघव ये सबसे सही बात है कि अगर कोई व्यापारी अपना पैसा लगाता है तो ये जानना चाहता है कि आगे मेरा आउटले क्या रहेगा तो अगर उसमें प्रोडिक्टबिलिटी नहीं रहे और मिड वे रूल्स को अगर आप बदलते जाएं और आप चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते जाएं इस देश में और नॉट जस्ट फॉरेनर लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट भी इतने खफा हैं इस बात से कि आपने जैसे मैट uh, जैसे लागू कर दिया था कि अगर टैक्स नहीं भर पा रहे हैं तो भी बुक प्रॉफिट पर आप टैक्स भर दीजिए तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स एक्सट्रैक्टिव टैक्सेशन थिंग्स लाइक एफ ये सब इरीटेंट है कि यहाँ पर हम वेलकम नहीं फील करते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इसलिए अपना पैसा लेके और किसी दूसरे देश में चलते हैं तो ये तो प्लेज एकदम जरूरी है कि लेना ही होगा इंडिया को शंकर इसमें कोई नया दो, दोहा आता है? सरकार को इतिहास और हमारे जो उपन्यास है उसको पढ़ना चाहिए रघुकुल रीत है प्राण जाए पर वचन न जाए हाँ। <laughs> बिल्कुल <laughs> <laughs> तो अगर आपने एक बार वचन दिया है कि आप टैक्सेशन इस तरह से करेंगे तो मैदान में टेस्ट मैच खेलने निकले और आप टी ट्वेंटी न मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ टैक्स की बात कर रहे हैं और लॉ की बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो सवाल है ये लैंड फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस के बारे में भी है और लॉ का मतलब सिर्फ लेजिस्लेशन नहीं ये एग्जीक्यूटिव भी है ऐसे भी हो चुका है कि टेक्नोलॉजी के बारे में जहां पे स्टेट से क्लियरेंस मिल चुका है फिर भी रेट्रोस्पेक्टिवली वो हम दिल्ली में खोल रहे हैं क्यों जैसे लवासा में हुआ लवासा का जो अप्रूवल था कि एक पूरा शहर बन गया

स्टील बनाना भी सरकार का काम क्यों होना चाहिए तो यह पॉइंट है कि इस तरह के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको बेच दीजिए उनको प्राइवेटाइज कर दीजिए आपको ध्यान होगा कि दस साल पहले जब वी एस एन एल बिका जब बालको बिका जब मारुति बिकी वो कंपनियां जब प्राइवेट सेक्टर हैंड्स में गई तो उनकी वैल्यू बढ़ी है कम नहीं हुई है तो यह पॉइंट है कि करिए और जो पैसा आता है उसको खर्च मत करिए कंजम्शन में उसको यूज करिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट में जिस एरियाज में सरकार को पैसा लगाना चाहिए एजुकेशन हो हेल्थ हो क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो पैसा उसमें लगाइए तो ये है हमारा पॉइंट नंबर चार मैं पहले ऑडियंस पे जाऊंगा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग प्राइवेटाइजेशन करते हैं पी का पहला पॉइंट कि वी हम लोगों को ना देखे प्रोबेबली जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसको एक साल का ट्रेनिंग पीरियड देना चाहिए और उनको कॉम्पिटेंट बनाना चाहिए आ, तो रीस्किलिंग ट्रेनिंग और वी कुछ ऐसा पैकेज बनाइए जिससे जो, जो पैसा हम लोग आगे निवेश करने की बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करके आ, अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो कि खत्म हो चुकी है उनको रिवाइव करना चाहिए और आ, ऐसे ही कुछ और पहलुओं को हमें छूना चाहिए ये इंटरेस्टिंग इन्होंने बात कही और मैं मैं शंकर आपसे पूछता हूँ कि ये एक मानसिकता हमारा आई कि जो रिवाइवल की बात कर रहे हैं ये इंडिया में अभी हम थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि एक जगह तो हम कहते हैं प्राइवेटाइज कर दीजिए और दूसरी जगह हम कहते हैं वो पैसा से जो मर गया है उसको रिवाइव करें ये रिवाइवल का जो माइंडसेट है ये क्या हिंदुस्तान को हमको छोड़, छोड़ देना चाहिए कि जो मार्केट में नहीं सर्वाइव करा उसको मरना ही ठीक था देखिए दो तरह दो पहलू हो सकते एक पहलू ये है कि जो कहते हैं हम लोग कि मार्केट शुड डिसाइड जो मर रहा है उसको मर दूसरा है जो जिसको बचा सकते हैं जैसे लघु उद्योग में हमारे 40 प्रतिशत जी डी पी है right. सबसे ज्यादा लोग इसमें नौकरियां हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड की जरूरत है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेड की जरूरत है वहां पर जो पैसे लगाने सरकार ये जरूरी नहीं है कि उस कंपनी में निवेश करे लेकिन उस जो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर उस इको सिस्टम, सिस्टम में इन्वेस्ट करे स्किलिंग में इन्वेस्ट करे अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर पांच पे और ये वाला जो है अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है कि हमारे देश में एफ की बहुत तरह की कैप्स हैं इस सेक्टर में आप 15 परसेंट उसमें 20 इसमें 25 उसमें 26 उसमें उनतीस उसमें 40 उसमें 60 उसमें पैंसठ इस तरह के रूल्स हमने बनाए हुए हैं कि किसमें कुछ कर सकते हैं किसी में कुछ कर सकते हैं हमारा कहना है कि ये सब हटा दीजिए सिर्फ दो तरह के इन्वेस्टमेंट रखिए एक जिसमें मेजोरिटी ओनरशिप uh, आप अलाउ नहीं करते हैं। तो 49.9 परसेंट पर रोक दीजिए एक जिसमें आप कहते हैं कि आप पूरा ओपन uh, कर दीजिए फॉरेन इन्वेस्टर के लिए और बाकी सारे कैप्स हटा दीजिए बल्कि हमारा ये तो कहना है कि ऑटोमेटिक एफडीआई होना चाहिए डिफेंस जैसे सेक्टर में भी होना चाहिए और डिफेंस में अगर आप चाहें तो सेवेंटी फोर परसेंट कैप कर दीजिए लेकिन मेजोरिटी ओनरशिप अलाउ कर दीजिए तो ये हम कह रहे हैं कि ये करिए क्योंकि इससे हमारी जो अपनी कंपनीज है वो भी स्ट्रांग होती है कोई मरता नहीं है अगर आज स्टार टीवी है तो एक जी टीवी भी है जो कि कंप्लीटली इंडियन ओन कंपनी है तो मनीष आप बताएं राघव ये मानसिकता की बात है कि हम शब्द ये शब्द यूज कर रहे हैं भारत सरकार इसका क्या मानना है कि ये क्या सरकार हम पे हुकूमत करने के लिए बनती है या ये सरकार हमारी सेवा करने के लिए बनती है तो ये जो बिविल्डरिंग अरे ऑफ और कानून बनते हैं हर सेक्टर में कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी कंफ्यूज है इंडस्ट्रियलिस्ट कन्फ्यूज है कि क्या कानून है क्या फॉलो करूं फॉरनर तो खैर अपने भारत के कानून पढ़ के पहले ही भाग जाते हैं <laughs> कि यहाँ पे ये चीज़ में अलाउड है इसमें नहीं अलाउड है इसमें इतना अलाउड है इसमें ऐसे अलाउड है उसमें वैसे अलाउड है और आने के बाद भी अगर हमारा मन करेगा तो हम बदल देंगे कानून तो ये सिंप्लिसिटी ऑफ कि सरकार का, का काम ये है कि वो सेवक बने सबसे पहले दूसरा कि वो इनेबलिंग प्लेटफॉर्म और एनवायरमेंट क्रिएट करे और तीसरा ओनस अपने ऊपर ले कि मैंने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया मैंने जॉब क्रिएशन फैसिलिटेट किया और मैंने बेंच की कि क्या मैं जितना अच्छा कर सकता था मैंने किया बाय कंपेयरिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एट स्टेट लेवल एंड अक्रॉस कंट्रीज कि हमने जैसे प्रोग्राम के शुरू में बात की कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम पंद्रह डॉलर है जो कि वाई शुड इंडिया पर कैपिटा भी वन फोर्थ ऑफ चाइना बिल्कुल ये सरकार की फेलियर है बिल्कुल तो ये अगर पर ये लोग जब तक शायद शायद, शायद, शायद।, जी, जी। हाँ जी, शायद कैपिटा इनकम में, तो में सिर्फ 23 साल पहले हमारी पर कैपिटा इनकम चाइना से ज्यादा थी अंग्रेजों को गए हुए पैंसठ साल हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी को गए हुए डेढ़ साल हो गए लेकिन अभी भी किसी तरह का भय डर सा बना हुआ है कि विदेशी आके कुछ कर देंगे हमारी इकोनॉमी को कर देंगे डिस्ट्रॉय कर देंगे खत्म कर देंगे ये डर अब नहीं रहा है इंडियन इंडस्ट्री को डर नहीं है हम सबसे कम्पीट कर सकते हैं टाटा अब अंग्रेजों की कंपनियां चला रहे हैं बिरला अमेरिकन की कंपनी चला रहे हैं तो सबको आना चाहिए हम सबसे कंपीट कर सकते हैं और कंपटीशन से सबकी बेहतरी होती है शायद कोई नहीं जानता कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर uh, में यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर टाटा है एक हिंदुस्तानी कंपनी सबसे लार्जेस्ट इंप्लॉयर है यूके में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मुझे यह बताइए कौन है जो कहता है कि इंडियन कंपनीज को एफडीआई से बिल्कुल कोई डर नहीं होना चाहिए हम कंपीट करेंगे हम बिल्कुल नहीं डरेंगे एज अ कंट्री कौन मानता है इसको हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि मत डरिए खोलिए हम कंपीट करेंगे तो ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है हमारे नए प्रधानमंत्री के लिए आप हमारे साथ बने रहिए हमारे वेबसाइट पे जाइए thinkindia.in.com पे अपने सुझाव दीजिए और एक ब्रेक के बाद हम वापस आए वेलकम बैक टू चेंज इंडिया एंड एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर और आज बात हो रही है निवेश को किस तरह से रीस्टार्ट री एनर्जाइज किया जाए इन्वेस्टमेंट को किस तरह से री एनर्जाइज किया जाए पॉइंट नंबर छ हमारा है अगेन सालों से चर्चा हो रही है कि बॉन्ड मार्केट जो है हिंदुस्तान में वो डिवेलप नहीं हुई है uh, कि अगर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन uh, को लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए दस साल का कैपिटल uh, चाहिए आठ साल का कैपिटल चाहिए तो वो हमारे पास आज मार्केट ही नहीं डेवलप हुई है तो मनीष क्या बात है कि बात सब करते हैं कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड मार्केट इंडिया में होनी चाहिए टू ट्रिलियन डॉलर की आज आपकी इकोनॉमी हो गई और आपके पास लॉन्ग टर्म बॉन्ड मार्केट नहीं है क्यों नहीं है और कैसे आ सकती है राघव ये सबसे सेंट्रल इश्यू है इंडिया के ग्रोथ का कि आज टू ट्रिलियन जैसे आपने जीडीपी कहा उसमें 600 बिलियन करीब हमारी डोमेस्टिक सेविंग है और ये 600 बिलियन डोमेस्टिक सेविंग में केवल 300 बिलियन फाइनेंशियल एसेट्स में आते हैं और 300 बिलियन हार्ड एसेट में जो कि लोगों ने जमीन खरीद लिया सोना खरीद लिया कि उनको ये ट्रस्ट ही नहीं है अपने देश में अपने देश की करेंसी में और अपने देश के सरकार में कि अगर मैं पैसा लगाऊं तो मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा इन्फ्लेशन कवर करने के बाद सो mm -hmm. so, ये बॉन्ड मार्केट इक्विटी मार्केट दोनों का इंटरलिंक पॉइंट है कि एंड अगेन इट मे कम बैक टू इवन प्रडिक्टेबिलिटी पॉइंट कि क्या हम दस साल पंद्रह साल बीस साल आगे देख सकते हैं अपना देश का फ्यूचर और उसमें कॉन्फिडेंस रख सकते हैं तब तो हम 10, 15, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करें चाहे वो बॉन्ड में हो चाहे इक्विटी में हो और इसके मेकेनिज्म जो दुनिया में क्रिएट किए गए हैं वो है कि आपकी जो सेविंग है वो पेंशन में डाली जाए right. और वो पेंशन का थोड़ा हिस्सा इक्विटी में डाला जाए right. और इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड क्रिएट किए जाए और इसकी हेवी ड्यूटी मार्केटिंग की जाए एंड पीपल एक्टिवली शुड बी डिस्करेज कि गोल्ड जैसे खरीदने के बदले आप गोल्ड बॉन्ड लेके आ सकते हैं right. या रियल एस्टेट को आप ट्रांसपेरेंट करके उसको मोनेटाइज कर सकते हैं हमारा कहना है कि और कंपटीशन लाइए क्योंकि हिंदुस्तान को और बैंकिंग की बहुत जरूरत है आज हमारे पास आई थिंक वन इन वन इन थ्री ओनली हैज अ बैंक अकाउंट दो तिहाई हिंदुस्तान के आज बैंक अकाउंट ही नहीं है तो आपको बहुत बैंकिंग चाहिए इस कंट्री में आप लाइए ये विंडो कभी खोलिए कभी बंद मत करिए खुला रखिए जिसको भी आना एप्लीकेशन दे वो बनाए और ये जो रूल था कि आपकी ओनरशिप इतनी होगी लेकिन आपकी वोटिंग इतनी कम होगी वो भी हटा दीजिए ओनरशिप और वोटिंग को बराबर कर दीजिए ये करना चाहिए ये बिल्कुल मैंने बिल्कुल सही बात है कि हमारी बैंकिंग एक बड़ा स्टेटिस्टिक है कि आप यदि तीस साल पहले किसी भी सेक्टर में कोई कंपनी देखें तीस साल दस दस साल में कंपनीज बदलते रहते हैं कभी कोई ऊपर रहता है कोई नीचे रहता है बैंकिंग सेक्टर में टॉप फाइव सिक्स बैंक्स एक बराबर रहा दूसरा चीज़ जो रहा हो रहा है बैंकिंग में कि अलग अलग टाइप के बैंक्स अब लाइसेंसेस दिए जाएंगे कि ऐसा नहीं कि एक्सिस बैंक कुछ कुछ चीज अच्छा करता है तो एक्सिस बैंक को करने दीजिए बाकी स्टेट बैंक कुछ करता है कुछ करने दीजिए कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होते हैं कुछ छोटे लोकल एरिया बैंक्स हैं बाकी कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है अलग अलग तरीके के लाइसेंसेस अब दिए जा रहे हैं तो ये ये बहुत ही अच्छा चीज है इसको और बढ़ावा देना चाहिए ऑन टैप लाइसेंसिंग ये होता जाएगा बॉन्ड्स के बारे में एक चीज बोलूंगा बॉन्ड्स मार्केट में एक बड़ा ऑब्स्टिकल रहा है अभी तक हमारा हम लोग जो बैंकसी में बोलते हैं रिकवरी प्रोसेस टेक्निकली बोलते हैं कि एक बार कोई डिफॉल्ट हो गया बॉन्ड तो उस उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है जैसे अमेरिका में चैप्टर इलेवन टाइप के कुछ मैकेजम्स होते हैं वो बहुत बड़ा बॉन्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट तो वो भी एक लॉ लॉ uh, में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा अब मैं आता हूं पॉइंट नंबर सात और आठ ये दो पॉइंट्स हमारे प्रोसीजर के पॉइंट है तो इसमें कोई इसमें खास डिबेट नहीं है कि डिसेंट्रलाइज कर दीजिए अप्रूवल को एक सिंगल विंडो लगाइए डिजिटाइज कर दीजिए सारे प्रोसेस को ये हमारा पॉइंट नंबर आठ है कि अगर अगर क्या एप्लीकेशन आती है तो एप्लीकेंट को पता होना चाहिए हर समय कि मेरा एप्लीकेशन का कहां पे है किस सरकारी डिपार्टमेंट में है क्यों है रुकी हुई है क्यों अटकी हुई है क्यों टाइम बाउंड क्लियरेंस नहीं हो रहा है तो ये सात और आठ पॉइंट जो हमारे हैं ये डिसेंट्रलाइजेशन और डिजिटाइजेशन के हैं सिंगल विंडो के हैं मैं विवेक से एक बार पूछना चाहूंगा कि ये तो करना तो चाहिए इसको तो कोई कहेगा कि नहीं करना चाहिए इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है करना तो चाहिए और ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा है मगर जहां हो रहा है वो राज्य सरकार के स्तर पर हो रहा है जी दिल्ली की बात अगर करें दिल्ली की बात मेरे ख्याल से जो समस्या है वो ये है कि कैबिनेट जो है कैबिनेट का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि लैंड इश्यूज हो फॉरेस्ट इश्यूज हो इन्वायरमेंटल इश्यूज हो ये एक साथ बैठ के सुलझा जा सके इसमें सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार क्यों इस मामले में उलझ रही है इसको राज्य सरकार को देना चाहिए अगर मैं वोटर हूं और मैं केंद्र सरकार के लिए वोट करता हूं और उसमें एक सात्विकता है तो उसी तरह मैं राज्य सरकार के लिए भी वोट करता हूं आप उनके अधिकारों को क्यों छीन रहे हैं राज्य सरकार को ये सारे डिसीजन लेने चाहिए क्यों आप एक महीने लगते हैं पॉस्को की इन्वेस्टमेंट उड़ीसा में जो लगी उसको एक महीने लगे क्लियरेंस आने में मतलब तो तो शर्मनाक बात है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, बड़ा प्रोजेक्ट है और वो बिलियन इस... बिलियन या बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट और वो भी इसलिए हुआ क्योंकि अब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं इसलिए हमने जल्दबाजी में उसको क्लियर किया जल्दबाजी में नहीं किया एक सौ दो महीने के बाद नहीं लेकिन <laughs> जो जो लास्ट लास्ट फेज था उसको हमने जरूर धकेला है तो इस इसमें ये एक बात है कि ये जो इस तरह की और एक राजनीतिक अवसरवाद है आज आप ट्राइबल्स के बारे में बात करेंगे कल लैंड राइट्स के बारे में बात करेंगे पर तो देश में एक प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए और ये सारे जो मुद्दे हैं राज्य सरकार के तो, स्तर पर डिसाइड होना चाहिए चाहिए केंद्र सरकार सिर्फ एक प्रवचन देना चाहिए। ये, ये, ये बात तो, बार बार आ रही है कि, कि जियोग्राफी जो है प्रोजेक्ट की वो तो राज्य सरकार की है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों पहले होल्ड अप करती है इतने अप्रूवल एक सिंगल विंडो लगाइए राज्य सरकार में लगाइए और उनको करने दीजिए बिल्कुल करना चाहिए

कोई कठिन बात नहीं है जैसे विवेक ने कहा तो प्रधानमंत्री अपनी अथॉरिटी यूज करें कम से कम दिल्ली में अपने कैबिनेट कॉलीग्स को बोले के बीच में ये क्लियरेंस और ये सब प्रॉब्लम नहीं कॉज करेंगी मैडम तो so इन uh, जैसे हम डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं इससे भी काफ़ी फायदा होता है क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी अगर आती है तो नॉट ओनली कि बड़े कांग्लोमेरिट्स जो होते हैं उनको फायदा होता है बाकी जो नए ऑनट्रोप्रनर्स है या एस हैं वो भी काफ़ी इनकरेज होते हैं बिजनेस करने के लिए तो जो हमारी इकोनॉमी को काफ़ी ज़रूरत है इसकी तो बिल्कुल 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 सर आपको लगता है कि करप्शन या पैसा खाना चाहते हैं जो अधिकारी इसमें एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि आ, इसको डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहे हैं नहीं नहीं बिल्कुल तभी तो प्रधानमंत्री को हम कह रहे हैं करें तभी तो हम कह रहे हैं कि ये इतना इतना वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें है और इतना मुश्किल हो जाएगा इसको करना अगर आप ज्यादा इसमें डेमोक्रेटिक होगा हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री आए और करें जैसे धीरज कहते हैं कि प्रधानमंत्री के, के एक, एक शब्द है प्रधान वो वो ना भूलें <laughs> ये कई बार बाकी शोज में बोल चुके हैं मुझे लगता है कि पहले महीने में ही ये काम करना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल करें तो, तो, तो देखिए प्रधानमंत्री साहब आपके लिए इतने, इतने इतने सुझाव जो है यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं तो इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे आप हमारी वेबसाइट थिंक इंडिया डॉट इन डॉट कॉम पर जाइए अपने सुझाव दीजिए और बने रहिए हम थोड़ी ही देर के बाद वापस आ वेलकम बैक टू चेंज इंडिया एंड एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर और आज बात हो रही है निवेश की किस तरह से इस जो जो रुक गया है निवेश हिंदुस्तान में उसको किस तरह से रीस्टार्ट किया जाए री एनर्जाइज किया जाए हमारे पॉइंट नंबर नाइन पे हम आए गए हैं और नाइन्थ ना, पॉइंट जो है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हिंदुस्तान में कोई पाँच छः साल से काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स या दस साल से बहुत प्रोजेक्ट्स उसमें गए हैं जैसे कि हमारे हाईवेज हैं हमारे टोल रोड्स हैं हमारे पावर प्लांट्स हैं कई चीज़ें जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आ रही हैं लेकिन होता क्या है कि वो अटक जाती हैं क्योंकि शायद गलत टेंडरिंग हुई हो या गलत टर्म्स हो गए हों जैसे कि गुड़गांव टोल हाईवे में हम देख रहे हैं कितनी प्रॉब्लम हो रही है तो हमारा कहना है कि अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट जब शुरू होता है और उसमें प्रॉब्लम दिखती है तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि तीन साल या दो साल के बाद हम उसको रिओक्शन कर दें कि जो चला रहा है उससे नहीं चलता है और टर्म्स बदलने हैं तो ट्रांसपेरेंट रिओक्शन कर दीजिए उसको दोबारा बिड बुलाइए और दूसरे लोगों को उनको चलाने दीजिए राघव ये एक्चुअली वाइडर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है कि यू नो पहला मुद्दा यह है कि भारत सरकार अगर प्राइवेटाइज नहीं करे तो उनके पास पैसा नहीं बचता है कि वो खुद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाए तो पहली बात यह है कि उनको प्राइवेटाइज करके खुद यू नो एज अ डेवलपर प्रोजेक्ट्स में आना चाहिए एंड लार्जर पार्ट ऑफ द रिस्क जो कि क्लियरेंसेज इतने हजारों लगते हैं इंडिया में वो उनको लेना पड़ेगा mm -hmm. दूसरे जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड मार्केट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर इक्विटी अवेलेबल नहीं है वो उनको रखना पड़ेगा और ये इसके बावजूद लोग क्यों आते हैं इस प्रोजेक्ट में क्योंकि उनके यू नो माइंड में ये था कि ये तो एन्य है ये लाइफ लॉन्ग इनकम हो जाएगी हमारी इसलिए ये क्रोनी कैपिटलिज्म सॉर्ट ऑफ डेवलप हुआ कि चाहे वो टेलीकॉम में हो चाहे यू नो हाईवेज में हो चाहे पावर प्रोजेक्ट्स में हो कि ये प्रोजेक्ट ग्रैप कर लेते हैं जी yeah. और फिर तो 20-25 साल यू नो कमाना ही है हमें सो so, इन मुद्दों में हम घिरे हुए हैं और इसका तोड़ यही है कि अगर ये प्रोजेक्ट फॉरवर्ड नहीं जा रहा है जी या तो सरकार अपने बुक्स पे वापस उसे ले और ये प्रोजेक्ट को यू नो रिवाइव करके फॉरवर्ड ले जाए या इसे रिटेंडर करे और तीसरा मुद्दा यह भी है नॉट जस्ट कि इट इज फंक्शनिंग पर किसी ने सड़क बनाया और वो एकदम You know, सड़क पे गाड़ी चलाने लायक ही नहीं है जी तो उसे वापस प्रोजेक्ट मिल रहे है। और ये बहुत जरूरी है, है वो भी सब पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ही बन रहे हैं तो शौका था मनीष साहब तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है खाली हमारे देश में नहीं अर्जेंटीना में हंगरी में बोलीविया में ब्राजील में ब्र पूरा ये रिटेंडरिंग जो आप कह रहे हैं रीऑक्शनिंग uh, ये प्रोसेस ये होता रहता है मतलब बहुत कुछ काम नहीं होता तो दूसरे आके कोई करते हैं ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट खुद आके वापस ले लें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इसमें ये इन द प्रोसेस ऑफ ये ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस के इसमें बैंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि बैंक्स आर दी फंडर्स जो जो फाइनेंस होता है जो प्राइवेट पार्टनरशिप्स के लिए वो बैंक्स देती हैं सो so, बैंक्स की ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस यदि अच्छे हो तो ये बहुत बड़ा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेक बनता है फॉर टू मेक श्योर कि ये जितने प्रोजेक्ट्स के बन रहे हैं एक्चुअली ठीक काम कर रहे हैं ठीक से काम चल रहा है और ठीक से प्रोसेस टेंडर किए गए हैं तो एक मैं छोटा सा ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यूजली कॉन्ट्रैक्टर चलाते हैं या इक्विटी ओनर अगर उन पर यह डंडा हो ऊपर कि अगर वो ठीक से नहीं करेंगे तो रियोक्शन होगा तो इसे इंप्रूवमेंट आएगा कितने लोग कहते हैं 100%। दिस अगेन फुली सपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर ये तो आपको करना ही पड़ेगा और जैसे शौगा आपने बोला और मनीष ने भी बोला कि इसके स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं तो ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है काम ये करना जरूरी है अब हम आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे ये पॉइंट हमने आखिरी के लिए रखा है लेकिन है शायद सबसे क्रिटिकल यह है लेबर लॉज का रिफॉर्म और इसमें इतने इश्यूज मिक्स हो जाते हैं आइडियोलॉजी मिक्स हो जाती है तो लेबर यूनियन और लेफ्ट पार्टीज कहती हैं कि हम कभी नहीं करने देंगे लेकिन यह समझना जरूरी है कि हिंदुस्तान में आप अगर रिजिड लेबर लॉज रखेंगे तो एक्चुअली इंप्लॉयबिलिटी कम होती है बढ़ती नहीं है विवेक ये कैसे बदला जाए ज्यादातर जब हम लेबर लॉज की बात करते हैं तो हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बात करते हैं उसमें क्या लिखा है उसमें लिखा है चैप्टर फाइव बी में लिखा है ले ऑफ रिट्रेंचमेंट या क्लोजर से पहले हमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से पूछना चाहिए परमिशन लेना चाहिए आज क्या हो रहा है आज अगर मेरा जैसा हमारा जैसा राज्य हो परमिशन देते नहीं है। वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ ये हो ही रहा है अगर ये हो रहा है तो हमें जो करना चाहिए उस स्टेट को दे देना चाहिए हक जो है शेड्यूल हटा के ये बिल्कुल लिस्ट हो so सेंट्रल और और अगर आप करेंगे अगर आप ये चेंज लेबर लॉ करेंगे एग्जिस्टिंग लेबर के लिए भी तो एजिटेशन एंडलेस होगा क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं तो एक रियलिटी को समझिए कि पिछले जो अभी लोग पिछले लॉ में इंप्लॉयड हैं उनको मत बदलिए जो नए इंप्लॉयमेंट होगा उसको नए लॉ के अंडर करिए ऐसी ग्रैंड कर सकते हैं ये कर तो सकते हैं, ये एक तरीका भी है मगर हम जितना सोचते हैं कि ऑपोजिशन है लेबर की तरफ से ट्रेड यूनियन की तरफ से नहीं एमपी की तरफ से नहीं उतना अपोजिशन है नहीं शंकर एक मानसिकता के बदलाव की जरूरत है इसमें सरकार अगर ये भरोसा दिलाए लोगों को कि अगर आपकी नौकरी यहाँ छूटेगी तो दूसरे मिल सकती है और प्रगति हो रही है ग्रोथ हो रही है तो लोग इसको ज्यादा इजीली एक्सेप्ट करेंगे दूसरी बात है ये सारे जो कानून है ये राज्य सरकारों पे छोड़ना चाहिए मुझे नहीं लगता है कि केंद्र सरकार ये जिस तरह का हमारे पहले फिफ्टीज और सिक्सटीज का जो नेशनल पॉलिसी वाला जो माइंड है उसको चेंज करना चाहिए और राज्य सरकारों के दायरे में इसको डाल देना चाहिए क्योंकि अगर नौकरियां बनेगी तो राज्य सरकार जो है वहां की राजनीतिक पार्टी जो है वो उसकी बेनिफिशियरी होगी अगर नौकरियां गवाई जाएंगी तो वो भुगतेंगे उसका का, का। अब क्या होता है कि राज्य सरकारें जॉब डिस्ट्रक्शन करते हैं भुगतना पड़ता है किसी और को जी आ, सर मैं ये कहना चाहूँगा मैं सपोर्ट में हूँ एक्सपर्ट कमेटी के कि स्टेट लेवल पे छोड़ना चाहिए क्योंकि एक स्टेट अपने यू नो पॉलिसीज की वजह से लकवे के सिचुएशन में हो सकता है जैसे कि हमने वेस्ट बंगाल में देखा टाटा वहां से निकला लेकिन गुजरात पहुंचा क्योंकि वहां पे ज्यादा लिबरलाइजेशन था वहां की सरकार ज्यादा सपोर्टिव थी तो स्टेट लेवल पे कॉम्पिटेंसी ज्यादा बढ़ेगी और आ, अलग अलग प्रदेश एक दूसरे को आउट परफॉर्म करेंगे आप कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं सर मैं अभी तो फिलहाल यूपी में रहता हूँ नोएडा में अच्छा लोकल हो जी राइट धीरज ये दो पॉइंट बहुत ही सिग्निफिकेंट है बहुत सिग्निफिकेंट है आ, लेबर जहां तक देखें तो आप 20 साल हो गए लिबरलाइजेशन को को उदारीकरण एक आंकड़ा खड़ा खड़ा नजर आता है कि फॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल बढ़ा नहीं है आठ से दस प्रतिशत है तो वो नब्बे प्रतिशत जो बाहर है सिस्टम के उनके हित में है कि लेबर लॉ बदले जाए हमारी इकोनॉमी पांच गुना या छह गुना, गुना हो गई है लेकिन लेबर इम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा बढ़ा है अगर हमें लोगों को विश्वास देना है कि ये सिस्टम लिबरलाइजेशन नौकरियां भी देगा ग्रोथ के अलावा नौकरियां भी देगा तो ये राघव इसमें एक 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 छोटी सी बात प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में कहा था कि रिफॉर्म प्रोसेस है है इवेंट नहीं है। जी लेकिन इन्होंने राजनीतिक तौर पर रिफॉर्म को एक इवेंट ही बना दिया है इवेंट बना क्यों इलेक्शन के पहले एक तरह का रिफॉर्म होता है इलेक्शन के बाद में एक तरह का रिफॉर्म को फिर से विस्थापित करना चाहिए कि इसका एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो जी तो ये है आज हमने अपने नए जो प्रधानमंत्री आएंगे उनके लिए हमने ये दस पॉइंट का एजेंडा बनाया है किस तरह से निवेश को फिर से शुरू कर सक, कर सकते हैं इस देश में ये हम उनको देंगे जाके और उनसे आग्रह करेंगे कि अपने पहले ही साल में जबकि किसी भी प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल कैपिटल सबसे ज्यादा होता है तो अगर उसको टफ डिसीजन लेना है तो वो पहले साल में ले सकता है तो हम उनसे यही कहेंगे कि वो करें आ, आप हमारे आ, सीरीज के इन शोज को देखते रहिए और जाते जाते एक बार आज के जो दस पॉइंट है उनको फिर से देखिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ